मैं भाजपा में थी, भाजपा में ही रहूंगी। ये कहना है छिंदवाड़ा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर का। भारतीय जनता पार्टी से छिंदवाड़ा जिला पंचायत की अध्यक्ष कांता ठाकुर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि वे भाजपा में थी और भाजपा में ही रहेंगी। उनके लिए कांग्रेस में जाने की फैलाई गई बात पूरी तरह झूठी है। वे शनिवार को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों के सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी। उस दौरान सभी 40 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले थे, जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, पार्टी से ही मेरी पहचान है। मुझे जिरपा से छिंदवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी ने ही बनाया है। मुझे पार्टी ने इतना सम्मान दिया और मैं पार्टी छोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हीराम रघुवंशी, वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सीटीएन न्यूज के लिए कैमरामैन धीरज सोनी के साथ अनिमेश सिंह की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। सारे जिला पंचायत अध्यक्षों को इन्होंने बुलाया, हम सब वहाँ पर शामिल हुए और इसी दौरान इन्होंने भ्रम फैलाया कि कांता ठाकुर जिला पंचायत की जो अध्यक्ष छिंदवाड़ा से वो कांग्रेस में शामिल होने गए। ये बिल्कुल गलत है, मैं वहाँ शामिल होने गई ही नहीं थी, मैं तो कार्यक्रम में उपस्थित होने गई थी। इस बात का हम विरोध करेंगे इसका, क्योंकि हम सही में नहीं गए थे। इसमें कोई डर और दबाव की कोई बात ही नहीं, मैं नहीं गई थी, मैं तो कार्यक्रम में शामिल होने गई क्योंकि हमारे साथ और भी जिला पंचायत के अध्यक्ष वहाँ पर थे, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में थी और वो भी ये बोल रहे थे कि हम यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यक्रम है। अपनी मांग को हम रखने के लिए यहाँ पर आए थे। वचन पत्र में कमलनाथ जी ने दिया था कि कुछ हम करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, अब वो कितना कर पा रहे हैं जब वो देखा जाए कितना सत्य है। बाकी आपने बोला तो हम अपनी मांग रखने गए थे, बस इसके लिए हम गए थे। वहाँ पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तो हम गए भी नहीं थे, ये तो सोचिएगा भी मत। मैं तो आपको खुला भी बोल रही हूँ और मैंने तब भी फोन करके उनको बता दिया था कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए नहीं आई हूँ, मैं भाजपा की हूँ और मैं भाजपा में ही रहूंगी, ये बिल्कुल सत्य है।